अजीत शर्मा के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान पर शाहनवाज हुसैन ने दी कड़ी टिप्पणी। शाहनवाज ने कहा, कांग्रेसी प्रधानमंत्री के खिलाफ विषैली भाषा का कर रहे हैं प्रयोग। प्रधानमंत्री और देश की सेना का अपमान करना कांग्रेसियों के लिए सही नहीं है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसमें पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों की हत्या करवाने का आरोप सहित इस बार फिर से चुनाव के पहले सैनिकों की हत्या करवाने और देश में दंगा करवाने का आरोप लगाया है, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कड़ी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जहां प्रधानमंत्री के खिलाफ विषैली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसका जवाब कर्नाटक के चुनाव में जनता देगी। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी प्रधानमंत्री का अपमान करेगा और देश की सेना का अपमान करेगा, उसका जवाब देश की जनता देगी। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस के नेता बहुत विषैला बोल रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री का अपमान जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को विषैला सांप बता दिया और पूरे कांग्रेसी भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं, इसका जवाब कर्नाटक की जनता देने वाली है। और जो भी प्रधानमंत्री को गाली देगा, देश का अपमान करेगा, शहीदों का अपमान करेगा, उसको देश की जनता माफ़ करने वाली नहीं है।